अभी सुबह का 10 बज गया भाई, और हम लोग को डीओ मिल गया ये आगे से, जिंदल से लोडिंग है, जिंदल स्टील से। तो अभी गए थे, डीओ वगैरह सब कुछ लेके आ गए हैं, देख सकते हैं वर्दी वगैरह पहन के जाना पड़ता है। अभी फुल सेफ्टी है टाटा स्टील के जैसा, उतना कड़ाइया तो नहीं है लेकिन फिर भी टाटा स्टील में तो बहुत ज्यादा कड़ा है भाई। तो डीओ वगैरह मिल गया है, वो बोला है कि गेट पे भी, ये चलता रोड है ना, रोड के बगल में ही गेट है, तो बोला है कि हम फोन करेंगे तभी लेके आइएगा ड्राइवर साहब गाड़ी, नहीं तो जाम लग जाता है रोड पे। तो अभी फोन आया नहीं है, अभी आ जाएगा थोड़ा देर में, उसके बाद चलेंगे अपन अंदर, घुसेंगे लोडिंग के लिए। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों अभी हम लोग घुस गए कंपनी के अंदर में, अब चल रहे हैं। पहले हम लोग को लकड़ी रखना पड़ेगा गाड़ी में, लकड़ी के ऊपर में फिर क्वाइल लोड होगा, इसलिए लकड़ी लेने के लिए पहले जा रहे हैं, फिर हमारा गाड़ी का कांटा होगा लकड़ी लेने के बाद, नहीं तो पहले कांटा कर देगा ना, तो वजन में डिफरेंस आ जाएगा। चलते हैं भाई, तो दोस्तों अभी गाड़ी का हमारा कांटा हो गया, खाली गाड़ी का, और लोडिंग पॉइंट उधर ही है जहाँ से हम लोग लकड़ी लेके आए थे ना, उधर पे ही है। तो चलते हैं वहाँ पे, यहाँ भी 3-4 ठो पॉइंट है, पता नहीं किससे लोडिंग है, चलिए देखा जाएगा भाई, वहाँ पता करना पड़ेगा। ये सब देख रहे हैं लोड गाड़ी है, सब खड़ा है, लोग अब रास्ता तिरपाल अपना करेगा, उसके बाद जाएगा यहाँ से। भाई है हमारा लोडिंग पॉइंट में गाड़ी लग गया है, देख सकते हैं लोड हो रहा है यहाँ पे क्वाइल। मुनाजिर भाई अपने सूट बूट में खड़ा है, क्या बात है मुनाजिर भाई, गाड़ी के पास जाना मना है भाई हम लोग को, पहले गाड़ी लगा दिए हैं। देखिए लग रहा माल का स्टॉक यार्ड है यहाँ पे, जो फैक्ट्री तो नहीं लग रहा है, कटिंग होता है छोटा छोटा क्वाइल और सीट, वही सब लोड होता है पूरा। यहाँ देख सकते हैं बड़ा क्वाइल आता है, उसको छोटा करता है, प्लेट बनाता है, उसके बाद लोड होता है। स्टॉक यार्ड ही है ये भूषण का मेन, अब भूषण पहले था तो जिंदल हो गया है। तो दोस्तों अभी गाड़ी हमारा लोड हो गया है, देख सकते हैं ये 4 क्वाइल लोड हुआ है भाई, हैदराबाद का माल है। ये 4 क्वाइल बांधने के लिए हमको 8 इंच लगाना पड़ा है, कितना ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं, इतना सब को देखते हुए यहाँ से वहाँ तक चेक करते हुए जाना पड़ेगा, कोई ढीला तो नहीं हो गया। ढीला हो जाए समझ लीजिए 10-11 टन का एक क्वाइल है, 11 टन से कुछ कम है। मुनाजिर भाई का हालत ख़राब हो गया भाई, चेन टाइट मारते मारते कहा मुनाजिर भाई, बोला ढीला ही है जी, हाँ वो अच्छा वो टाइट नहीं हुआ है अभी। मुनाजिर भाई का चेहरा देख लीजिए भाई, गोरे नारे से बेचारा लाल हो गया है एकदम। कोई बात नहीं मुनाजिर भाई, इधर सब हो गया है, एक ही बचा है, मारिए उसके बाद तिरपाल मारा जाए, इस पर तिरपाल ढकना पड़ेगा भाई, बारिश से बचाना है माल को। ठीक है दोस्तों, इतना सब गाड़ी जितना है देख सकते हैं, यहाँ पूरा लाइन लगा हुआ है, सब सब लोड गाड़ी है पूरा, उधर पूरा पार्किंग भर गया है। अब आएगा फटाफट पेपर वगैरह बन के फिर निकलेगा। तो दोस्तों अभी शाम का 6:30 बज गया, हमारा गाड़ी का पेपर आ गया है, लेकिन दिक्कत यह है ना कि देखिए गाड़ी वाला कहीं लगा के चला गया है, गाड़ी में कोई है नहीं, अब जिसके चलते हमारा गाड़ी निकल नहीं रहा, बहुत कोशिश कर लिया आगे पीछे करके, लेकिन ये गाड़ी के चलते, अरे यार गाड़ी भी कम से कम रोड पे लगाता ना तो एक साइड लगा के जाना चाहिए, अब क्या बोलिएगा। देखिए हम कितना टेढ़ा करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना लग जा रहा है इसका पीछे का टेलर मेरा, अभी आएगा नहीं जब तक हटेगा नहीं तब तक गाड़ी हमारा निकलेगा नहीं। कब तक निकलेगा, पेपर वगैरह सब कुछ मिल गया है और निकल गया भाई, हैदराबाद का माल है, हैदराबाद का पार्टी का माल है, पता नहीं एड्रेस तो पता चल जाएगा जाने के बाद में, अभी जस्ट निकले हैं। हालांकि अब गाड़ी लगाएंगे कहाँ, तो गाड़ी हमको वापस लेके जाना पड़ेगा वही पार्किंग जहाँ हम लोग रुके थे सरकारी पार्किंग में, धूलागढ़ सरकारी पार्किंग, तो वहीं पर गाड़ी लगाएंगे, उसके बाद में फिर वहाँ से सुबह 5 बजे का हमारा टाइम रहेगा, खर्चा वगैरह सब कुछ वहीं पर आ जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों अभी चलते हैं, पहले पार्किंग में गाड़ी लगाया जाए बढ़िया से, और टाइम भी अब खत्म हो गया जी, तो खाना वगैरह कुछ बनेगा,
आज भी होटले में खाना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और मुनाजिर भाई इधर रह गए, थक गए हैं। इसे भी मुनाजिर भाई आज कहाँ, मुनाजिर भाई हाँ। खाना बनेगा, अब क्या खाना बनेगा, अब क्या खाना बनेगा, देख रहे हैं मुनाजिर भाई इतना पूरी आ गया आदमी जी। मुनाजिर भाई ठीक बात नहीं है राजा, चलिए कोई बात नहीं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, 6 बजे तक निकल जाते ना तो खाना वगैरह बनाते, लेकिन अभी क्या है टाइम हो गया बिल्कुल। चलिए ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों अभी रात का 8:30 बज गया और हम लोग जगह पे आ गए हैं, देख सकते हैं पार्किंग में, धूलागढ़ पार्किंग। यहाँ पे ये लोग तो अपना कंपनी का गाड़ी सब लगाया हुआ है पहले से, अभी हम आए हैं यहाँ गाड़ी लगा दिए हैं, रोड किनारे लगाए ताकि सुबह निकलने में ठीक रहेगा, 5 बजे निकलना भी है। ठीक है दोस्तों चलते हैं खाना खाने, क्योंकि बनाने का टाइम तो ख़त्म हो गया है। कहाँ मुनाजिर भाई, रेडीमेड खाना है कि खाना बनाइएगा? रेडीमेड, मुनाजिर भाई को रेडीमेड ज़्यादा पसंद है भाई। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ आ गए और बाहर गए थे तो रेडीमेड खाना क्या लेके आएंगे जी, बहुत दिन से बिरयानी नहीं खाए थे भाई, और यहाँ पे बड़ा फेमस मुरादाबादी बिरयानी का दुकान था, आदमी इधर के ही था, अपना झारखंड गए, लेकिन दुकान मुरादाबादी चिकन बिरयानी लिखा हुआ था, वही बिरयानी ले आए हैं। देखिए एक एक डब्बा लगभग 1/2 kg इसमें आता है, 100 रुपया का दिया है ये। तो आज खाना यही रहेगा हमारा बिरयानी, उधर मुनाजिर भाई का भी आ गया है। मस्त है, बहुत बढ़िया है, देख सकते हैं लेग पीस दिया है। आता हूँ। तो भाई अभी सुबह का 7 बज गया और हम लोग निकल गए हैं कलकत्ता से हैदराबाद के लिए, पंप पे रुके हैं डीजल लेने के लिए, और डीजल वगैरह हमारा हो गया है। यहाँ पे पंप पे ही चाय दुकान है, ये देख सकते हैं वहाँ पे, चलते हैं हम एक ही बार चाय पी के यहाँ से निकला जाएगा तो फिर चलते रहेंगे आगे, हिसाब किताब भी कराना है जी, समझ में नहीं आ रहा है गाड़ी पार्किंग में लेके जाएं कि चलते रहें अगला चक्कर करा लें, यही डाउट में हम हैं। चलिए आगे देखा जाएगा, और भी गाड़ी लोग है क्या करेगा, सब वही हिसाब से किया जाएगा काम। तो ठीक है दोस्तों, चाय वगैरह हमारा हो गया, अब यहाँ से हम निकलने की तैयारी कर लिए हैं, अब चलते हैं आगे और गाड़ी सब अपना जा रहा है आगे आगे। तो ठीक है भाइयों, ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद भाई।